जनाब फवाद चौधरी साहब। सर थैंक यू सो मच। जो अभी बात कही है जनूबी पंजाब के ऊपर जो डिबेट हुई है या जो बाकी गुफ्तगू हुई है, एक्चुअली अगर आप देखें तो इसको ये कहना जो इन इलेक्शंस में या मेन स्ट्रीम में सब कहते तो बातें तो सब लोग करते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जब फाटा का मर्जर हो रहा था तो उस वक्त जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें ये वादा किया गया था कि फौरी तौर के ऊपर तमाम पार्टीज एनएफसी अवार्ड में 3% जो अपना शेयर है वो स्लैश करेगी और फाटा को देगी, और इसका जो फैसला था वो यही हुआ था कि हम फाटा में करेंगे और तमाम लोग ही फाटा के लिए बात करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि तकरीरें होती हैं बट अनफॉर्चुनेटली जब एनएफसी अवार्ड की कंपोजिशन का मामला आ रहा है तो अभी तक हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उसने अपना वहाँ पे नुमाइंदा नॉमिनेट नहीं किया ताकि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ सकें, क्योंकि फाटा की जो बेहतरी है वो हमारी बेहतरी और इसी तरह से बाकी जो छोटे इलाके हैं उनकी बेहतरी जो है वो हमारी अपनी बेहतरी है। जहाँ तक साउथ पंजाब का ताल्लुक है, पिछली गवर्नमेंट ने, सर मैं आपको थोड़ा सा कंपेरिजन दे दूँ कि 7100 रुपया पर कैपिटा जो है वो खर्च हुआ लाहौर में और 2400 रुपया पर कैपिटा खर्च हुआ राजनपुर में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसकी प्रायोरिटीज क्या थी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई। और इसी तरीके से ये मामला सिर्फ राजनपुर का नहीं है, डेरा गाजी खान का भी यही मामला था, इवन पंजाब के जो हमारे अपने अजला हैं जेलम है, लोधरा है, हमारा चकवाल है, यहाँ पर भी यही हालात हैं, एक मखसूस तरीके से पैसा जो है वो स्पेंड किया गया। सो हम देखते हैं कि तकरीरें करने में कुछ जो हमारी हम तकरीरें करने में तो बहुत आगे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल मैयज़ नहीं लेते। पहली बार अगर किसी हुकूमत ने, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कैबिनेट चेयर की है उसमें पहली बार ये कहा गया है कि जो तमाम बड़े शहर हैं उनका हम डेवलपमेंट प्लान लेके आएंगे और हमने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह हम जो रिसोर्सेज हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही हुकूमत है जो कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो वीएन है, हमारा जो वीएन है, जो मदीना की रियासत का वीएन है, वो तो है ही ये कि जो वो तबकात है उनको ऊपर लेकर के आना है। हमारा तो वीएन ही ये है कि जो कमजोर तबकात हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, उनके साथ खड़ा होना है। और इसीलिए मैं ये भी वाजिब कर दूं कि यह बात भी गलत है, हमने कोई जो दोबारा जो बात करते हैं कि ECL के ऊपर डाला, कोई भी जो रुकन है उनका नाम हमने ECL के ऊपर नहीं डाला और इस वक्त जो थे उनके बारे में भी उनका नाम भी ECL से हटा दिया गया है जो ही कैबिनेट में बात आई। जो हमारा जहाँ तक इस हुकूमत के वीएन का ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला हमने जो जनूबी पंजाब के सूबे का वादा किया है, जिस तरह से फाटा के मर्जर का क्रेडिट इमरान खान के अलावा किसी का नहीं है, इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा भी इंशाल्लाह इमरान खान ही बनाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।